have told you, for example, ये आपके टूथ है, like this, and this is your pitch circle. So यहां से लेके यहां तक ये जो रेडियल डिस्टेंस आप देखोगे, दिस इज नोन एज सर्क्यूलर पिच डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टूथ एंड इट इज द शेप ऑफ बॉडी शुड बी सच दैट कॉमन नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेम पॉइंट पी ऑन लाइन ओ टू थ्री. दिस इज लाइन ओ टू थ्री. तो जो कॉमन नॉर्मल है इट शुड ऑलवेज पास थ्रू दिस पॉइंट. तो व्हाट द लॉ ऑफ गियरिंग सेज दैट द कॉमन नॉर्मल, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस लाइन इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस कॉमन नॉर्मल मस्ट इंटरसेक्ट द लाइन ऑफ सेंटर्स एट द फिक्स पॉइंट. तो ये लाइन ऑफ सेंटर है बेटा, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर लाइन ऑफ सेंटर. तो लाइन ऑफ सेंटर्स के साथ ये कॉमन नॉर्मल आपका इंटरसेक्ट होने को ना. इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट इज नोन एज द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग. नाउ लेट अस मूव टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, सी इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बताता हूं, वन मिनट. अब यहां पर for example, see, there are two gears. In this diagram, you will see there are two gears. This is your gear one, for example, and this is your gear number two. Okay, ये दो gear हैं, and both the gears are in contact with each other. So you can see that here, you can see that these gears are in contact. Contact कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर contact हो रहा है, like this. और काय का contact हो रहा है बेटा, दोनों का pitch circle, दोनों का pitch circle. This is the pitch circle ऑफ गियर टू और ये है पिच सर्कल ऑफ गियर थ्री. ओके, दोनों का एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट आना है लाइक दिस. इसका एक और फिगर है यहां पर देखो बेटे, इन दिस फिगर, सी इन दिस फिगर अज्यूम करो ये गियर वन है और अज्यूम करो ये गियर टू है, ठीक है, और ये दोनों गियर यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर है. सो इंस्टेड ऑफ आर दोनों गियर ऑफ आर द डिस्टेंस विल बी ये और ये टी लेके पी दे यहाँ पर कॉन्टेक्ट. तो जो पॉइंट पर कॉन्टेक्ट आर में जगह मैंने डाल दिया ओ टू पी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू विच इज इक्वल टू वी पी इक्वल टू आर ओमेगा. इंस्टेड ऑफ आर ये डिस्टेंस रहेगा O3 से लेके P into omega 3. So omega 2 by omega 3 will be O3P upon O2P. So if omega 2 by omega 3 is constant, then point P should also remain fixed. और वो point P fixed कहाँ पर रहेगा? In this position it will be fixed. The shape of body should be such that common normal always passes through the same point P on line O2-3. This is line O2-3. तो जो कॉमन नॉर्मल है इट शुड ऑलवेज पास थ्रू दिस पॉइंट. तो व्हाट द लॉ ऑफ गियरिंग सेज दैट
कॉमन नॉर्मल, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस लाइन इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, दिस कॉमन नॉर्मल मस्ट इंटरसेक्ट द लाइन ऑफ सेंटर्स एट द फिक्स पॉइंट. तो ये लाइन ऑफ सेंटर है बेटा, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर लाइन ऑफ सेंटर. तो लाइन ऑफ सेंटर्स के साथ ये कॉमन नॉर्मल आपका इंटरसेक्ट होने होना. इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट इज नोन एज द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग. नाउ लेट अस मूव टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, सी इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बताता हूं, वन मिनट. अब यहां पर for example, see, there are two gears. In this diagram, you will see there are two gears. This is your gear one, for example, and this is your gear number two. Okay, ये दो gear हैं, and both the gears are in contact with each other. So you can see that here, you can see that these gears are in contact. Contact कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है. ये यहाँ पर contact हो रहा है. Like this. और काय का contact हो रहा है बेटा? दोनों का pitch circle. दोनों का pitch circle. This is the pitch circle ऑफ गियर टू और ये है पिच सर्कल ऑफ गियर थ्री. ओके, दोनों का एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट आ रहा है लाइक दिस. इसका एक और फिगर है यहां पर देखो बेटे. इन दिस फिगर, सी इन दिस फिगर अज्यूम करो ये गियर वन है और अज्यूम करो ये गियर टू है, ठीक है, और ये दोनों गियर यहां पर कॉन्टेक्ट पर है. दोनों गियर के टीथ, ये टीथ और ये टीथ यहां पर कॉन्टेक्ट है. तो जो पॉइंट पर कॉन्टेक्ट है, मैं यहां से एक और सर्कल बना रहा हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है. ये ऐसा है बेटा, ये आपका पिच सर्कल है गियर टू का. इट इज लाइक दिस. सिमिलरली इधर से दिस इज द पिच सर्कल ऑफ गियर वन. सो दिस इज पिच सर्कल रेडियस या दिस इज पीसीडी एंड दिस इज ऑल्सो पीसीडी. ये दो पीसीडी यहां पर देखो, दोनों के पिच सर्कल एक पॉइंट पर मीट हो रहा है. यस और नो, सी यस सर. हेलो, दिख रहा है? दोनों का पीसीडी एक पॉइंट पर मीट हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं देखो. इसको बोलते हैं बेस सर्कल. ये है आपका बेस सर्कल. दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस सर्कल.
to see what I am doing. Base circle 1 और base circle 2 दोनों का tangently मैंने यहाँ पर एक line draw की. देखिए line tangent. ये line देखो pitch point से pass हो रही है और दोनों के base circle, ये बेस सर्कल और बेटा ये बेस सर्कल, ये बेस सर्कल टेंजेंट हो रहा है, तो दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दोनों बेस सर्कल को टेंजेंट है एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस पिच पॉइंट, तो दिस इज नोन एज पिच पॉइंट, दिस इज नोन एज पिच पॉइंट. सो ये जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट है जहां पर टेंजेंट आपका एंड हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल नेम दिस पॉइंट एज ए, नेम दिस पॉइंट एज बी एंड नेम दिस पॉइंट एज सी. ओके, और ये पॉइंट को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस. For example, this is point A, this is point B, and this is point C. So, this distance between A to C is known as length of path. Of contact, and it is denoted by what? LPA. Understood? So, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर एंगेजमेंट स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड दिस इज योर एंड पॉइंट. सो बिगिनिंग पॉइंट है ना, यहां से एंगेजमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंगेजमेंट आपका एंड हो रहा है और ये पिच पॉइंट है. सो फ्रॉम ए टू बी दिस इज नोन एज लेंथ of path of contact during engagement. Here length of path of approach LPA. और B से लेके C इसको बोलते हैं length of path of recess. So at this point and this is your pitch point. This will be your pitch point. So point A पे beginning हो रहा है engagement का और पॉइंट सी पे एंड हो रहा है एंगेजमेंट का. सो दिस इज द एनालिसिस. अब दो गियर एक दूसरे से कांटेक्ट में, वही डायग्राम बेटा यहां पर है. यहां पर देखो, ये समझो पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है. मैं अलग कलर के पेंसिल्स को सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट.